जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024। जी हां साथियों, आप सभी भाई बहनों को पता है कि पशु परिचर की भर्ती चल रही है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास है और ना कोई डिग्री डिप्लोमा मांगा जा रहा है। तो आवेदन सभी करें, अभी आवेदन शुरू है, लास्ट डेट भी बता देंगे क्या है। और सबसे पहले आपको इसका पता बताने के लिए ये वीडियो बताई जा रही है, बनाई जा रही है कि भैया इस पशु परिचर में ड्यूटी क्या रहेगी, कितने घंटे काम करना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है ना, ये चीजें, वेतन कितना मिलता है, सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, तमाम जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। क्यों बताने वाले हैं साथियों ये जानकारी? क्योंकि हम पशु परिचर जो है वर्तमान में ऑन ड्यूटी है, उससे हम मिल चुके हैं, उनसे हमने बात की है, तो उनसे जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वही जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पर आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार आप ही का चैनल है दोस्त, ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो, इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं क्योंकि हम उनसे मिल चुके हैं, तो उन्होंने हमें बताया है कि भाई इस प्रकार की ये ड्यूटी करनी पड़ती है। और आपको भी पता है भाई, डी ग्रुप की भर्ती है ये, ठीक है, तो ये डी ग्रुप की भर्ती है, सबको पता है, और योग्यता 10वीं पास है, बस केवल 10वीं पास, और कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं मांगा गया है। आवेदन सभी कर दें, एज 18 से 40 साल है, कोई समस्या नहीं है, आवेदन शुरू है, लास्ट डेट 17 फरवरी 2024 है। जो भी भाई बहन फॉर्म भरना चाहता है, 10वीं पास है, तैयारी करता है राजस्थान की, तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। चाहे खाकी तैयारी करो, रीट की करो, पुलिस की करो, पटवार की करो, ग्राम सेवक की करो, खाकी भी करता हो, अभी तक लाग्यायिक होना थे तो फिर एम लगा दो ना फॉर्म, क्या दिक्कत है ना। अच्छा जी, नौकरी सरकारी है। अब देखो, उन्होंने बताया कि पहले ये जो भर्ती थी इसमें परीक्षा नहीं होती थी, पहले इसमें इंटरव्यू के आधार पर लगाया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स और मेरिट लिस्ट जारी होगी, अब तो एग्जाम होगा भाई, सीधी बात है। अच्छा, अब इसकी देखो, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024, काम क्या करना पड़ेगा, वेतन, ड्यूटी, सुविधाएं, सारी चीजें, और जो भी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो सरकारी योजना के लिए अपना जो चैनल है वो है ओमवीर योजना, ओमवीर योजना ये वाला। और अब आप दो वीडियो देख रहे हो, ये देख रहे हो ओमवीर रोजगार के ऊपर। अगर आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो आप ओमवीर योजना को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप ही का चैनल है दोस्तों, उसमें आप जुड़ सकते हैं, उसमें तमाम सरकारी योजनाएं बताई जाती हैं जिसका लाभ हर आदमी लेना चाहता है, उनके लिए आप इस चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है साहब। अब देखो, काम क्या करना पड़ता है, काम मैं बता दूं थाने, एकदम बढ़िया काम, कोई हेडक नहीं, कोई लपड़ा नहीं, कोई लोड नहीं। देखो, इसमें छुट्टी भी मिलती है, एक साल में 45 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी कि डेढ़ महीने की छुट्टी आप ले सकते हो, एक महीने में, वो एक साल में डेढ़ महीने तक की छुट्टियां मिलती हैं, कोई समस्या नहीं है, आराम से। अब देखो, काम क्या है, ड्यूटी क्या है, पशुओं को कंट्रोल करना है। देखो भाई, पशु कंट्रोल करने का मतलब है भाई, पशु मान लो उछल रहा है, कूद रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, तो भाई उनका टांगड़ी टूंगड़ी बांध दो, है ना, रस्सी उस्सी से बांध दो, तो उन्हें पेड़ का लगा दो, और पेड़ भी नहीं है तो भाई आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी रहेगी, तो हॉस्पिटल में तो वो लगे रहते हैं पाइप से नहीं लगे रहते हैं, इस प्रकार से वो लगे रहते हैं, तो इनके बीच में यहाँ के पशु को लाया जाता है, तो फिर उसके बांध देते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे आपको पशुओं को बांधना है, पकड़ना है, टांग टूंग पकड़नी है, ताकि भाई उछल कूद ना करे, ठीक साहब। पशुओं का गोबर भी उठाना पड़ेगा, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई अपने आप में ये सोचता है कि हम पशु का गोबर उठाने के लिए थोड़ी लग रहे हैं नौकरी, अरे तो दादा उधारी नौकरी आई है, जब करोगेगा काम तो और क्या करोगा बताओ। अस्पताल में मान लो गंदगी होगी,
पशु गोबर भी करते हैं, जो सीरियस केस होता है उनमें तो पशु पड़े भी रहते हैं दो दो तीन तीन दिन तक हॉस्पिटलों में, तो उन पशुओं की सेवा कौन करेगा भाई? सेवा तो वो ही करेगा पशु परिचारी। डी ग्रुप की नौकरी है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है सारी चीजें, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई गोबर गोबर भी ठानो पड़ेगा, साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, बारो झाड़ो भी करना पड़ेगा, पानी पुनी गेर के धोवा मांजो भी करोगा, धोना भी पड़ेगा भाई। गोबर अगर कर दिया मान लो चबूतरे पे कर दिया है तो उस पर धोना भी पड़ेगा आपको, बारा झाड़ा भी करना पड़ेगा ये चीजें। और पशु बीमार चल रहा है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको रखते हैं, दो तीन दिन तक पड़े भी रहते हैं पशु वहाँ, तो उनकी भी सेवा पानी करनी पड़ेगी ना, पानी पात पाबो गेड़ो गुड़ो गेरबो, ये काम तो करना ही पड़ेगा। भूखा थोड़ी मार होगा पशु ने, चराना पड़ेगा उसको थोड़ा बहुत, तो हरा चारा लात के डाल देते हैं, खुद ही धनी ला के डालते हैं, लो साहब भी मारा पशु ने गेर दो थोड़ा थोड़ा, तो वो भी सारा काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसा है, मदद करने के लिए और भी लोग आते हैं, जो उस पशु का जो धनी होता है वो भी लगता है, ऐसे थोड़ी एक वो छोड़ के भाग जाएगा, वो भी काम करवाएगा आपके साथ रहेगा। लेकिन आपको भी करना पड़ेगा दोस्त, वहां पे मान लो कोई पशु लाया और अब तुरंत उसको इंजेक्शन वगैरह बोतल बातल चढ़वानी है, तो डॉक्टर की मदद आपको करनी पड़ेगी, सुई लाओगा, बोतल पकड़ाओगा, दवाई भरोगा, हैं बोतल ने पकड़नी पड़ेगी, कम से कम 10 मिनट में चढ़ती है एक बोतल पशु के, आदमी को तो एक एक घंटे में चढ़ती है, लेकिन पशुओं के तो एक 10 मिनट 15 मिनट में चढ़ जाती है। तो उनको पकड़े रहना है, सुई भरनी है, दवाई भरनी है, ये काम तुमको ही करना पड़ेगा। आधे डॉक्टर बन जाते हो एक प्रकार से तुम, ये काम है। फिर जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाई पशु को लाए, सुई साई ठुकवाई लेगा, अब गोबर कर गो, अब उन कौन उठाओगो? थारो काम, जो पशु परिचर है वो उठाएगा उस गोबर को, उठा के गेर का भाई रूडीम या काम, बारा झाड़ा कर धो उसको, ये काम करना पड़ेगा ये। और जो अस्पताल है पशु का, पशु चिकित्सकों का जो अस्पताल है पशुओं का, तो उसमें साफ सफाई का काम भी इन्हीं को करना पड़ेगा, भारी झाड़ी करना, नाली नुली है तो उसको साफ सफाई करना, पोछा भारी करना, ये सब उन्हीं का काम रहता है दोस्तों, समझ रहे हो। अगर विश्वास नहीं है तो आज ही आप अपने नजदीकी किसी भी पशु चिकित्सालय में जाकर के पशु परिचर के बारे में ड्यूटी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई फिक्र नहीं है, ठीक है साहब। और डॉक्टर की मदद करना, पशु अस्पताल में साफ सफाई करना, पशुओं के ऑपरेशन के बाद औजारों की साफ सफाई करना, कुछ ऐसे भी सीरियस केस आ जाते हैं पशुओं के जिनको ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है, तो उसके औजार औजारों को धोना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें, गाँव में कैंप लगाना पड़ता है तो गाँव में भी आपको जाना पड़ेगा कैंप लगाने के लिए, लेकिन गाँव में गोबर नहीं उठवाएंगे आपसे, आप तो गाँव में तो डॉक्टर बन के जाओगे, आधे डॉक्टर हो एक प्रकार से आप पशुओं के, तो गांव में तो आपको बस अपना काम करना है आराम से। आवारा पशुओं का प्राथमिक उपचार करना है, पशुओं को चारा पानी की सुविधा करना है, ठीक है। प्राथमिक उपचार को मतलब छोटी मोटी ट्रीटमेंट करबो, पट्टी उट्टी बांध देना, खून खान आ रहा है तो छिल गया है तो, और कुछ हो गया है तो उसको थोड़ा सा ठीक कर देना, ये चीजें हैं प्राथमिक उपचार में, ठीक है साहब। ऑल सुविधा मिलती है इनको, छुट्टी मिलेंगी 45 दिन की, ड्यूटी 8 घंटे की, वैसे ड्यूटी 24 घंटे की होती है, उन्होंने बताया है कि भाई ड्यूटी तो 24 घंटे ऐसे मान लो, कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी आप कोई मरीज आ सकता है, कोई भी पशु आ सकता है, तो उसको तो भाई करना ही पड़ेगा, 24 घंटे ड्यूटी हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें शिफ्ट उफ्ट चलती रहती हैं। मेडिकल सुविधाएं सह परिवार, आपके पूरे परिवार को मेडिकल की सुविधा दी जाएगी, आवास होम रेंट दिया जाएगा, होम रेंट का मतलब किराया मिल जाएगा तुमको, आप कहीं पे भी रह सकते हो कमरा किराया लेकर के, आपको कमरा का किराया मिल जाएगा, सरकार देगी, कोई समस्या नहीं है। वेतन भैया 18,000 है, और फिर उसमें बाद में आपका महंगाई भत्ता भी मिलेगा, होम रेंट किराया मिलेगा, ड्रेस फीस मिलेगी, ऐसे मिला करके 30,000 रुपए आपके हो जाएंगे। और जैसे ही जैसे आपकी एज मान लो 50 साल हो गई तो फिर आप भैया 40,000 रुपए तनख्वाह पाओगे, बहुत बढ़िया नौकरी है, शानदार नौकरी है, ठीक है साथियों। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।